हे गाइस, मेरा नाम चंद्र किशोर बख्शी और आज मैं बताने वाला हूँ Asus ZenFone Max M1 का अनबॉक्सिंग। और ये प्रो वर्जन नहीं है, ये मैक्स M1 है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और 7599 का पड़ा है ये। और इसमें खासियत यही है कि ये करीब आता है 3 GB रैम के साथ, 32 GB की स्टोरेज है डेटा, और साथ में ड्यूल सिम वोल्ट है। और बाकी का मैं देखता हूँ अंदर, क्योंकि अभी मैंने खोला नहीं है, पूरा अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अपने हिसाब से रखा हुआ है पूरा किट। तो चलिए फिर इसको खोलते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर यहाँ से ये इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा Zen UI बेस्ड है, स्टॉक कैमरा नहीं है, स्टॉक नहीं है ये। और जैसे कि ZenFone Max Pro M1 आता है वो स्टॉक में है, पर ये Zen UI है। तो इसको अब इसके अंदर देख लेता हूँ क्या है। इसके अंदर है ऑफ कोर्स अपने पास ये स्टिकर है जिसमें IMEI नंबर सब लिखा हुआ है, इसको साइड में रख देता हूँ। मैनुअल गाइड दी हुई है, एक तरह यूज़र गाइड है, और ये है वारंटी इंफॉर्मेशन, ये सब इसमें दिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। बाकी ये सिम ट्रे पिन है ये निकालने के लिए। और फिर ये आता है अपना मोबाइल, इसको मैं अभी खोलता हूँ, थोड़ी देर से शुरू करता हूँ। और इसके नीचे बाकी मैं देख लेता हूँ क्या है। इसके नीचे हमको यहाँ पे मिलेगा ये चार्जिंग केबल और USB वाले, और ये है अपना पावर केबल, पावर अडेप्टर। बाकी कुछ नहीं है, हेडफोन नहीं दिया है इनने, हाँ ईयरफोन नहीं है, जैसे कि मैक्स प्रो M1 में भी नहीं दिया गया था और इसमें भी नहीं दिया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी खैर ठीक है। ये दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, और फिर अब मैं मोबाइल दिखाता हूँ अपना खोल के। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो Asus ZenFone Max Pro M1 से कर रहा हूँ, और ये है Asus ZenFone Max M1। सेम टू सेम वैसे ही है इसका लुक, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ये दिखता है। ब्लैक कलर मैंने मंगवाया था, पर ये ब्लैक एक्चुअली ब्लैक नहीं रहता है, आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू कलर रहता है ये, मतलब वेलवेट टाइप के कलर है। और मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, उसका वाइब्रेट होता है, वैसे ही सेम टू सेम उसी तरह से ये खुलता है। देखिए सेम वैसे ही है बिल्कुल इनका, जैसे Asus ZenFone Max Pro M1 में था बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें फॉन्ट बड़ा हुआ है, बड़ा फॉन्ट दिए हुए इनने। और यहाँ पे मुझे कुछ सेटअप करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको पहले सेटअप कर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो अभी तो यहाँ पे इंग्लिश इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मोबाइल वाईफाई कनेक्शन और ऐसो ये हो गया हमारा सेटअप, और थोड़ा सा मैं और ये कर लेता हूँ सेटअप फ्रेश स्टार्ट। और इसके साथ हमको 100 GB की जो गूगल ड्राइव है वो हमको इसमें साथ मिलेगी, आप एक बार याद रखिएगा, अगर आपने ऑलरेडी क्लेम कर चुका है उस ईमेल आईडी में तो दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि वो लेगा नहीं, तो कोई एक नया ईमेल आईडी बना दीजिए उसके बाद ही ये लेगा। मैं इसको भी सेटअप कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। और जो आइकन्स है वो बहुत छोटे हैं इसमें कंपेयर टू Max Pro M1, बाकी सेम टू सेम रहने दीजिए, आई एग्री कर देता हूँ। और काफ़ी बहुत हल्का है ये, और ये स्क्रीन भी थोड़ी सी छोटी है, 5.5 है ये। फेस रिकॉग्नाइजेशन ये सब मैं बाद में कर लूँगा, सेटअप फिंगरप्रिंट मैं बाद में, सब ये सब मैं बाद में कर लूँगा, इसको भी मैं रजिस्टर बाद में कर लूँगा और सब बाद में करूँगा। ये देखिए क्लेम है, तो ये हमेशा आप अपना न्यू ईमेल आईडी से करिएगा, जो आप ऑलरेडी हमने क्लेम कर चुका है तो उस ईमेल आईडी में मत कीजिएगा इसको, तो नहीं ये लेगा नहीं। तो इसको मैं ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास 100 GB है, तो मैं अभी नहीं करूँगा इसको सबको। और ये हमारा शुरू हो रहा है Asus ZenFone Max M1 Zen UI बेस्ड मोबाइल, ये देखिए बिल्कुल अलग है, सब इसमें दिया हुआ है। और मैं देखा जाऊँ तो किस तरह का है, काफ़ी बढ़िया है, लुक वाइज बहुत अच्छा है, इसकी इंटरफेस भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है UI जो है। और मेमोरी क्लीनर दिया हुआ है इसमें, और जो अपने स्टॉक में नहीं था ऑडियो विजार्ड ने दिया हुआ है,
जो कि इक्वलाइजर है एक तरह से काम करेगा। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया है, पावर मास्टर का दिया है, ग्लोव मोड में भी दिया जो ठंड के समय काफ़ी काम आता है ये ऑप्शन, और FM रेडियो तो सब जानते ही है कि क्या भला है। तो वो सब मैं बाकी की इंफॉर्मेशन मैं बाद में बताऊंगा। बाकी तो बहुत कुछ वीडियोस आएंगे अभी इसके, क्योंकि जब मैं एग्रेसिव जब मोड में इसको टेस्ट करूंगा तब फिर देखिएगा इसमें क्या है इसके मज़े। और ऑलरेडी मेरे को आने लगी है, अब मैं सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखा दूँ कैसी है। देखिए पूरा अलग है, मेरे को पसंद आता है Zen UI भी, मेरे को पसंद आता है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे Zenfone 2 लेज़र चलाता हूँ तो मेरे को पता है कि किस तरह से इसके फीचर्स रहते हैं क्या है इसमें। लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे फीचर्स दे के रखे हुए हैं, तो आप जी सकते हैं पेज मेकर, ट्विन ऐप्स, ये क्लोन ऐप्स करने के लिए ऑप्शन है, जब ये आप इसको क्लोन ऐप्स कर सकते हैं, जब कोई ऐप्स और इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी कुछ है, गेम मोड में भी इनने दे के रखा हुआ है, देखिए गेम जिनी है मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग करने के लिए है गेम्स को, और काफ़ी कुछ है, स्क्रीनशॉट है, Zen मोशन ने दिया है, और ये डबल गेस्चर ये दिया गया टैप, इसको मैं स्क्रीन इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये देखिए इस तरह से आता है बिल्कुल। ये आपको शायद क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी कैमरे की, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो शायद आप अच्छे से देख पाओ, और देखिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर इसको चालू करता हूँ। देखिए ये पूरा अपने आप वॉलपेपर चेंज हो रहा है, मेरे को करने की कुछ नहीं है, सिर्फ वॉलपेपर अपने आप चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही इसको मैं बाकी कर सकता हूँ, मैं बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँगा दूसरे वीडियो में। तो यही है मेरा वीडियो बताने का कि Asus Zenfone Max M1 मात्र सिर्फ 7500 रुपये का है, और ये डील सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है, शायद इसके बाद ये 9000 का हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था Asus वालों ने कि ये डील जो है वो सिर्फ Flipkart की जो अभी सेल चल रही है फेस्टिवल वाली उसमें ही मिलेगी ये डील, उसके बाद फिर वो वापस 9000 रुपये में आ जाएगी। तो अब अगर आपको लेना हो, नीचे मैंने लिंक दे के रखी हुई है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले लीजिए, तो उस माध्यम से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ये कि हमारा एक लूटस एक्सप्रेस करके ग्रुप है टेलीग्राम में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बहुत सारी अमेजिंग डील्स वहाँ पे आती हैं, गिव अवे प्रीमियम्स अकाउंट सब वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यही है मेरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस मोबाइल से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़्मो की तरफ से मैं आपको बाय बोलता हूँ, बाय बाय।